भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पोहरी पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से होकर भी गुजरेगी, जिसके लिए कांग्रेस की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिवपुरी जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने गुरुवार की देर शाम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पोहरी पहुंचे। यहां उन्होंने यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं भी कभी आपकी तरह कांग्रेस का बूथ अध्यक्ष रहा करता था। बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर कांग्रेस में ही संभव है। यहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का फोकस इस बार सबसे ज्यादा ग्वालियर, चंबल और मालवा निमाड़ पर रहेगा। दरअसल राहुल की यात्रा एक बार फिर यूपी से प्रवेश करेगी और दूसरी बार राजस्थान से प्रवेश करेगी। दोनों ही रीजन बड़े हैं और ऐसे में यहां की लोकसभा सीटों पर पार्टी को उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पोहरी विधानसभा पहुंचे जीतू पटवारी का विधायक कैलाश कुशवाहा ने जोरदार स्वागत किया। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप देखो, मैं बूथ का अध्यक्ष रहा, मैं वार्ड का अध्यक्ष रहा, मैं सेक्टर अध्यक्ष रहा, मैं फिर जिला युवक कांग्रेस की कार्यकारिणी में रहा, फिर जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी में रहा, फिर जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष रहा, फिर मैं प्रदेश युवक कांग्रेस के उपका पदाधिकारी रहा, फिर प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, फिर मैं प्रदेश की कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष था पिछली बारी, और अब आकार तो एक बूथ का अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। ये एहसास और फिर विधायक सोने की गड़बड़ करे तो भी दर्द होता है, मुझे पता है ये बात। फिर दूसरी बात, विधायक परिवार का ये अंग भी होता है, तो मैं मानता हूँ कि उस रिश्ते को, ये रिश्ता एक मुलायम रिश्ता है जिसको हम सबको बना के रखना है। जहाँ तक विधायक जी का प्रश्न है, मैंने इनको बहुत नजदीक से जाना, बहुत सज्जन आदमी है, बहुत भले आदमी है, हम सबको इनको भी निभाना है। और विधायक जी, आपकी कोई कोर कसर बाकी नहीं है, बहुत चुनाव लड़ने हैं आपको, इसलिए सबको पटाके रखो, ठीक है।